25 मई से शुरू होने जा रहे दो दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जिला मंडी ब्लॉक करसोग स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तीर्थों से पहुंचे साधु संतों के प्रवचन होंगे। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि परम पूज्य श्री सतपाल महाराज जी होंगे। आपको बता दें, इस संस्था की देश भर में बहुत सी शाखाएं हैं। कार्यक्रम से पहले पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चलिए देखते हैं समिति के वरिष्ठ महात्मा श्री हरि संतोषानंद जी ने क्या कहा। पंजीकृत सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है। संस्था के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज हैं। संस्था का प्रधान कार्यालय जो डबारा पूर्वी पंजाबी भाग नई दिल्ली में स्थित है। भारत के सभी नगरों में, शहरों में, तीर्थों में, जनपदों में मानव उत्थान सेवा समिति की शाखाएं हैं, प्रचार केंद्र हैं, आश्रम हैं और आपके करसोग जिला मंडी में भी मानव उत्थान सेवा समिति का यह आश्रम श्री हंस सत्संग मंदिर के नाम से निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न किया जाएगा। इस क्षेत्र की प्रभारी महात्मा जी मंडी क्षेत्र के विचार प्रभारी हैं महात्मा श्री विद्युतानंद जी और महात्मा प्रणवानंद जी भाई के सहयोग में श्री चेतन शर्मा है और बहुत सारे हमारी संस्था के सहयोगी कार्यकर्ता यहाँ हैं जो सेवा में कार्यक्रम कर रहे हैं, सेवा में संलग्न है। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा राष्ट्रीय अहिंसा, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना की जागृति के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सद्भावना सम्मेलनों के इसी क्रम में आपके करसोग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में दो दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न तीर्थों से पधारे हुए विद्वान संत महात्मा साधुजनों के सत्संग प्रवचन होंगे। सौभाग्य का विषय है कि संस्था के प्रेरणा स्रोत, मानव धर्म के प्रणेता, सद्भावना के अग्रदूत परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के भी सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन इस सम्मेलन में होंगे। इस सम्मेलन की तैयारियां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोग के प्रांगण में बहुत जोर शोर से चल रहा है। क्षेत्रों में इस सम्मेलन की जानकारी के लिए, सद्भावना सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा भाई जी के निर्देशन में जगह जगह होर्डिंग लगाए जाएंगे। चुनाव संहिता के कारण हम लोग अभी प्रचार में उतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता सबके अनुपालन के लिए दिशा निर्देश देता है, तो इसीलिए हम उसका अनुपालन करते हुए, क्योंकि यो तो हमारी संस्था यहाँ किसी राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं आ रही है और हमारा राजनीतिक सम्मेलन से इसका कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ की जनता को सादर आमंत्रित करते हैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में सद्भावना सम्मेलन में पहुंचकर परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधनों को श्रवण करें। यहाँ विशेषकर आध्यात्मिक प्रवचन होंगे। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथों का जो सार अध्यात्म ज्ञान है वह क्या है, मन की शांति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अंतर जगत में परम पिता परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का ध्यान किया था, एक ऐसे नाम का स्मरण किया था जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के प्राणियों में सन्निहित है। अर्थ प्रकाश के लिए मंडी करसोग से प्यारे लाल शर्मा की रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।